बिलासपुर जिले के तहसील पिलगहना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लूफा का एक ऐसा गांव जहां तीन ओर पहाड़ियों से घिरा आदिवासी एवं बेगा जनजातियों का एक कुनबा निवासरत है। जब हमारे संवाददाता उस क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे तो ऊंची नीची कच्ची सड़क बेगा आदिवासी रहवास के बीच एक ऐसा युवा मिला जो क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10वीं पास कर खेती को अपना व्यवसाय बनाने वाले युवा किसान यदुलाल बखला के बारे में। ये अपनी पढ़ाई के बाद किराना दुकान करते थे, साथ ही धान की खेती करने में लगे थे, जो आज धान की खेती और किराने की दुकान छोड़ केवल सब्जियों की खेती करते हैं और धान की फसल और किराने की दुकान से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। आसपास के कृषक उनसे सीख लेते हैं और धीरे धीरे इनके द्वारा की जा रही जैविक कृषि क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह क्षेत्र के विकासशील कृषकों की श्रेणी में है। गोबर की खाद को प्राथमिकता देते हुए शासन के दिए जा रहे अनुदान का लाभ लेकर टपक सिंचाई एवं मल्चिंग का भी उपयोग करते हैं। क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी एवं औद्योगिकी विकास के अधिकारियों से सतत सलाह भी लेते हैं। जी, हम टमाटर के फसल के बीच खड़े हैं। ये लगभग समाप्त होता फसल नजर आ रहा है। इसको आपने कब लिया और इससे आपको किस प्रकार से लाभ प्राप्ति हुई है? मैं इस फसल को अगेती फसल बोलते हैं। मैं अगेती फसल लिया था जो कि बरसात का है, तो मैं जिस समय लोग कर नहीं पाते हैं उस समय मैं निकाल के इसको अच्छा रेट में बेचा हूँ मार्केट में। मतलब बहुत सुंदर रेट आपको मिला है। और कितना एरिया होगा और कितना लगभग आपने इसमें इनकम प्राप्त किया है? ये 50 डिसमिल का एरिया है जो कि इसमें 150 कैरेट तक निकाला हूँ। ऐसा। और अभी नए फसल के लिए आपने कहीं पर फसल लगाया हुआ है? हाँ, लगा हुआ है। अभी प्रधानमंत्री योजना की तरफ से है, इसमें सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी लेकर के आपने इसको लगाया हुआ है? जी हाँ। मतलब शासन से मिलने वाली सभी सब्सिडी का लगभग आप उपयोग करते हैं? जी हाँ। आपके क्षेत्र के जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं या उद्यानिकी विभाग के अधिकारी हैं, क्या आपसे उनका संपर्क होता रहता है? हाँ जी हाँ, होता रहता है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कौन है आपके क्षेत्र के? यहाँ हमारे उद्यानिकी विभाग के अधिकारी हैं गुलशन साहू। चर्चा होते रहती है बीच बीच में? जी जी। तो इनका कहना है कि क्षेत्र के जो उद्यानिकी विभाग के अधिकारी हैं, साथ ही कृषि विस्तार जो अधिकारी हैं, उनसे निरंतर इनका संपर्क बना रहता है और इतना बढ़िया तालमेल है कि उनके सहयोग से और अपने मेहनत और प्रयास से आज ये सफल कृषक के रूप में सामने आ रहे हैं और क्षेत्र के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहे हैं। कितने अभी जैसे 9 दिसंबर का महीना चल रहा है, आगे किस महीने तक इसका उत्पादन आप लेते रहेंगे? तो ये लगभग 15-20 डिसमिल में लगा होगा, तो इसमें अब देख सकते हैं कि बहुत अच्छा फल लगा हुआ है। इसमें अभी 10 कैरेट तक टमाटर निकल चुका है और अनुमानित है कि इसमें कम से कम 20-25 कैरेट और निकलेगा। अच्छा, मतलब अभी आपका जो मार्केट में रूलिंग दबा हुआ था, कम फसल जो इधर उधर से बाकी फसल नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसका एडजस्टमेंट के लिए ये बेहतरीन आपका सहयोग कर रहा है। जी हाँ, कि अभी ये टमाटर का रेट नीचे गिर चुका था, फिर अभी मार्केट में देखा जा रहा है कि टमाटर का रेट 800-900 कैरेट तक हो गया है। 800-900 रुपए कैरेट? हाँ। बिलगाना से राम प्रताप सिंह, सीजी विजन टीवी।